आंसू गैस, रबर की गोलियां, ड्रोन, लोहे की कीलें, सीमेंट, कंक्रीट के बैरिकेड, ये पुलिस के वो हथियार हैं जो किसानों को पिछले 8 दिनों से शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे। किसानों को वहीं बॉर्डर पर ही रोका हुआ है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन किसान भी पुलिस प्रशासन से कम नहीं है। पुलिस के इन बड़े बड़े जखीरों के सामने उनके पास भी ऐसे धांसू और देसी जुगाड़ हैं कि वो पुलिस के वार से बच सकते हैं। चश्मा, मुल्तानी मिट्टी, पतंग, टूथपेस्ट और बॉडी प्रोटेक्टर, किसानों के पास यही वो जुगाड़ है जो उनको पुलिस के हथियारों से बचाएगा, क्योंकि इस बार उनकी तैयारी इतनी तगड़ी है कि जब वो दिल्ली की सीमा की ओर बढ़े और उन्हें रास्ते में सीमेंट कंक्रीट के बैरिकेड मिले तो ट्रैंक की तरह चलने वाली पोकलैंड मशीन उसे तोड़ दे। साथ ही सड़क पर लगाई गई कीलें भी नेस्तो नाबूद कर दी जाएं। किसानों ने आंसू गैस के असर को कम करने के लिए अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाई हुई है। साथ ही कई किसानों ने बॉडी प्रोटेक्टर भी पहन लिए हैं, चेहरे पर मास्क और आंखों पर एयर टाइट चश्मे लगा लिए हैं। जो ट्रैक्टर सबसे आगे चलने की योजना थी उनके सामने लोहे की चादर लगा दी गई है, उन्हें गीली बोरियों से ढक दिया गया है। इसके अलावा मिट्टी उड़ाने की मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इतना ही नहीं, पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस छोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोनों को गिराने के लिए किसान पतंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई किसान तो टियर गैस से बचने के लिए आंखों पर टूथपेस्ट लगाते नजर आए, और तो और कुछ किसान पुलिस के ड्रोन पर दूरबीन से नजर रख रहे हैं। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। वार्डिक है कि अब तो बस दिल्ली हर हाल में जाना है। वहीं पुलिस प्रशासन भी उन्हें दिल्ली में दाखिल न होने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि जब किसान और जवान आमने सामने होंगे तो किसके हथियार किस पर भारी पड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।